हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। आज मेरे साथ 18 साल दिल से मनमोहन शर्मा जी, जो वैसे 55 इयर्स के हैं और वैसे दिल से और जज्बे से एक 18 साल की उम्र के प्यारे से पेशेंट हैं मेरे। जब मेरे पास आए थे तो एक होप के साथ आए थे कि इनको एक फुल माउथ स्माइल मिल जाए, ये अपने दांतों को दोबारा से, उनको दांत मिल पाएँ, दोबारा से ये खा पाएँ, दोबारा से जो खाना ये नहीं खा पा रहे हैं वो मिल पाएँ। और जानना चाहूँगा मनमोहन शर्मा जी से, पहली बात तो मनमोहन शर्मा जी, आज आपको आपके फिक्स दांत डेंटल इम्प्लांट्स के थ्रू मिल गए हैं, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपसे ज़्यादा मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज हमारी जो मेहनत हुई है ना वो साकार हो गई है। अच्छा लगा मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे दांत मेरे को मिल गए हैं, अब मैं खा पाऊंगा। अब पहले ये बताओ, जब शुरू में जब पहली बार मेरे पास आए थे, सबसे बड़ा फैक्टर था शुगर, वो आपने कंट्रोल किया मैंने, स्मोकिंग पे आपने कंट्रोल किया। तभी मैंने आपका केस किया। ये तो बात, आपकी अपर की हड्डी तो बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ। उसमें नॉर्मल इम्प्लांट्स तो हो नहीं सकते थे, तो हमने उसमें जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स किए। जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स कौन से होते हैं? जो चीक बोन के अंदर लगते हैं। आपको मैंने आपका जो जॉ का मॉडल था वो बताया पहले कैसे होगा वो सर्जरी, उसके बाद फिर लोअर में आपके इम्प्लांट, 6 इम्प्लांट डाले। लोअर में भी हड्डी कम थी, पर उसमें भी हमने आपके इम्प्लांट डाल दिए और आपको इमीडिएट लोडिंग विद इन आई थिंक 3 हफ्ते में दांत दे दिए। तो अभी कैसा लग रहा है मेरे भाई मनमोहन जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये है, मैं 2-3 क्लिनिक पहले से होके आया था। वहाँ पे मतलब कि मेरे को एक तो विश्वास नहीं हुआ और दूसरी बात तो खर्चे वर्चे का भी थोड़ा ज्यादा बता रहे थे। तो जब मेरे पास आए तो उसमें पहली बार आप आए, मुझसे पूछा, उसके बाद फिर दूसरी बार आपने मुझे फोन किया कि डॉक्टर साहब मैं आने वाला हूँ, तो वो कैसे कनेक्शन हुआ वो मुझे बताना पड़ेगा। एक्चुअली क्या था कि मैं यूट्यूब में आपके वीडियो काफी पहले से भी अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं, पक्का पक्का आप ही लोगों के लिए बनाते हैं। तभी फर्स्ट बारी में आया, मेरे को आपसे बातचीत हुई, अच्छा लगा मेरे को। और आप एकदम क्लियर बात बताते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है कि ऐसा होगा वैसा होगा, चक्कर नहीं लगते। आपने कहा ये होगा, जब सर्जरी के दौरान मैंने स्टेप्स दिखा रहा था तो किसी तरह का डर लग रहा था उस समय? नहीं नहीं, आपने अपनी ना मैंने कुछ पूछा। क्या बात है, पूछा आपसे जब सर्जरी हो रही थी? क्योंकि विश्वास से अंदर से विश्वास, ये तो आपकी दाद देने पड़ूंगा। आपने पूरे के पूरे ट्रीटमेंट में जो हमारा साथ दिया है वो आई थिंक बहुत बड़ी बात है। और हम जो जब दिल से काम करते हैं ना तो हमें लगता है, आपने बोला कि भाई जिसका काम उसी को साझा, आई थिंक वो एक बहुत, और तभी हम आपको एक अच्छी सी स्माइल दे पाए और बहुत जल्दी दे पाए। सबसे जरूरी चीज, जब हम सर्जरी कर रहे थे, यू कुड सी द होल सर्जरी लाइव, उस समय कुछ घबराहट हो रही थी, दुख हो रहा था। यूट्यूब में जो वीडियो देखे थे, अब जब सर्जरी कराई उसमें कुछ फर्क लगा आपको? यूट्यूब में ज्यादा डर लगता है या ठीक लगता है? नहीं नहीं, वो अगर यूट्यूब में देखोगे सर्जरी को तो डर लगता है, मगर थक जाता है। ऐसे में कुछ हो नहीं भाई, ब्रेव थे आप हिम्मती थे, आपने हिम्मत दी, हौसला रखा। हिम्मत की बात ही नहीं थी उस समय, क्या जब मेरे को पता ही नहीं लग रहा है कुछ, तो क्या करूं। तो चले हम आपका एक केस देखें। जब आप मेरे पास शुरू में आए थे तो ये आपकी जो स्माइल थी, दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, एक ऐसी स्माइल। तो उसके बाद हमने प्री ऑप में फोटोग्राफ्स लिया, उसके बाद इवैल्यूएट किया स्पेस, और यहाँ पे फिर हमने इम्प्लांट प्लेस किए। उसके बाद आप देख सकते हैं, जब हमने उसके बाद टीथ सेटिंग ट्रायल जब आपका लिया था, उसके बाद दिस इज इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांट प्लेसमेंट, हमने आपको ये जो दिखा दिया था कि कैसे आपके दांत लगेंगे। और उसके बाद फिर टीथ सेटिंग ट्रायल लिया, फिर फेसबुक रिकॉर्ड लिया, और आज जाके आपके जो पूरे के पूरे जो दांत देख सकते हैं यहाँ पे, लोअर में टोटल 6 इम्प्लांट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 10 दिन की हीलिंग है, इतनी शानदार हीलिंग। और सबसे जो मसूड़ा है आपका जो, वो बहुत अच्छा हील हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे पूरे के पूरे जो 6 इम्प्लांट्स हैं, अब ये पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। ये लोअर का मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये जो है ये अपर का है, ये अपर में आपके 4 इम्प्लांट्स हैं। और ये प्यारी सी स्माइल, सुंदर सी स्माइल, और एक यंग, एक राजेश खन्ना वाली स्माइल लग रही है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, क्या बात है, देख सकते हैं मेरे को। तो देखो जो जच रही है ना स्माइल, ये तो वधिया लगती भैया स्माइल। क्या मार्क्स देंगे इस स्माइल को यार?
तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देंगे। ये फोटो देख के लग नहीं रहा कि मैं हूं। कि मैं, चलो अभी जो मेरे पेशेंट्स हैं सामने जो देख रहे हैं आपको, हमारी प्यारी सी बहनें और भाई जो देख रहे हैं आपको, उनको कुछ कहना चाहेंगे? बोलना जरूर पड़ेगा, बिकॉज देखो आपकी हेल्प, आपकी हमने हेल्प की, हम चाहते हैं कि और लोगों की भी हेल्प करें। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं, डर रहे हैं। नहीं नहीं, डरने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं आया था और ये सोच के आया था कि मैंने करा ली हूँ और मेरे को ट्रीटमेंट में कुछ हो नहीं रहा। हाँ, थोड़ा ये होता है कि 2-4-5 सीटिंग ज्यादा लग जाएगी, उसमें वो नहीं है। बाकी ऐसा कोई मेरे को ये नहीं है कि किसी दिन घबराहट हुई हो या डरा हूँ या पेन ज़्यादा हुई हो। पेन होगी थोड़ी बहुत, तो ही करते वक्त बिल्कुल नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। सो नाइस टू हियर दीज नाइस वर्ड्स। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और जो शब्द होते हैं जो पेशेंट के निकलते हैं वो डायरेक्ट दिल से निकलते हैं और वो हमें प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं कि हम दिन रात काम करते हैं, बहुत लगन और मेहनत से काम करते हैं और ऐसी डिजिटल क्राफ्टेड स्माइल जो पेशेंट की जो स्माइल होती है वो चार चांद लगा देती है। डिजिटल स्माइल्स में हमें पता होता है कि हम क्या स्माइल देने वाले हैं। हम पेशेंट को पहले ही दिखा देते हैं फर्स्ट सिटिंग में कि इनके दांत कैसे लगेंगे, उससे पेशेंट भी थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है और वो पूरा का पूरा जो सफ़र होता है ना वो आसान हो जाता है। तो मनमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ। अब हमारे फैमिली रिलेशन है, अब फैमिली की तरह हैं आप। और अब जो है, जो आपका ट्रीटमेंट है अब शुरू होगा आपके हवाले से, बिकॉज अब आपको ध्यान रखना है अपने डेंटल इम्प्लांट्स का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, स्मोकिंग को नो, ध्यान रखना। देखो छोड़ बट कम करेंगे, कम करेंगे। जैसे अभी मैंने मतलब इन 3 हफ्तों के दौरान मुश्किल से 2 बारी, वो भी बाद में 2 बारी स्मोक किया। मुझे तो राजेश खन्ना और विनोद खन्ना वाली स्माइल लग रही है ये, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे ही स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक बार जादू की जप्पी दे दो हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और अगर चाहते हैं डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे यूट्यूब में कितने चैनल हैं, कितने वीडियोज़ हैं? वीडियो बहुत, कितने काउंट नहीं किए, 900 से ज्यादा वीडियोस हैं जरूर, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। तो 900 से ज्यादा वीडियोस, ट्रू पेशेंट फीडबैक, बहुत सारी स्माइल स्टोरीज, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद जो पेशेंट से मिलता है। और अगर आपको भी जानना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को तो आपको जरूर शेयर करना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट।